आर वी 2019 एस्पिरेंट्स? पेपर 2019 में देना चाहते हो आप? क्या किया आपने? यू आर परस्यूइंग विद एमएससी और यू डन विद इट? सब्जेक्ट्स गुड. सब्जेक्ट उत्तर एम ए हिस्ट्री फ्रॉम पी यू. सब्जेक्ट्स कॉलेज हम मिले हैं पहले ना. ओके अगर तुम सबका एम 2019 है तो पहले तो लेट मी नो व्हाट ऑल हैव यू डन सो फार. स्ट्रैटजी तो तभी बनेगी ना इफ यू हैव डन समथिंग सो फार. फॉर यूपीएससी कुछ प्लान किया हुआ है? बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो. कौन सा वाला? अच्छा हो गया प्री. तो अभी तक क्या क्या बुक्स पढ़ी हैं ये बताओ. लक्ष्मीकांत की ठीक है. और रमेश सिंह और ओके किसने गाइड किया ये विजार्ड वगैरह पढ़ने के लिए? एनसीईआरटी पढ़ी खुद से? नहीं पढ़ी. गुड. आपने सर? कौन कौन सी? सिक्स से स्टार्ट किया एट तक. कौन से सब्जेक्ट? बिल्कुल फ्रेश हो और एम सबका 19 फॉर श्योर है. अब ना देखो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज ये बिल्कुल फ्रेश और तुम दोनों अदरवाइज एक साल से तैयारी कर रही हो राइट. अब तुम एक साल से तैयारी कर रही हो लेकिन जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वो पढ़ नहीं रही हो राइट. अब जैसे ना लेट्स टेक वन एग्जांपल. आजकल सेक्शन 377 न्यूज़ में चल रहा है राइट. अब इसके साथ ना लेट्स से कि पेपर में तुम्हें क्वेश्चन पेपर तो तुम देख ही रहे हो चाहे पेपर वन वाला पार्ट है 2, 3, 4. अच्छा वो स्टूडेंट्स ना सबसे बड़ी गलती करते हैं जो तैयारी इसकी करते हैं. इसकी कोई तैयारी नहीं होती. तैयारी है मेंस की. जब मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँगा ना अब मैं इसी से एग्जांपल बनाता हूँ. मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ तो सेक्शन 377 की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेरे को पता होगी ताकि मैंने आंसर लिखना तो मैं इस पर कुछ लिख पाऊँ राइट. इसका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट मुझे पता होगा कि ये आजकल न्यूज़ में क्यों है और इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस मुझे पता होंगे कि क्या क्या इस पर और हो सकता है. अब प्री में भी तो इसी में से कुछ पूछेंगे ना वो क्योंकि ये करंट अफेयर का टॉपिक है न्यूज़ में था and they perhaps may end up asking me something on this. So मैं तैयारी मेंस की करता हूँ. प्री की तैयारी इंटीग्रेटेड है. अब अगर मैं सिर्फ प्री की तैयारी कर रहा हूँ मैंने बहुत बेसिक से फैक्ट्स उठा लिए जिसे हम ट्रिविया बोलते हैं उसके साथ मैं आंसर कैसे बनाऊँगा. अब प्रज्यूम करो एक क्वेश्चन आ जाए कि सेक्शन 377 को तो सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया और अब ये बताओ कि और चैलेंजेस क्या हैं. वट आर द न्यू चैलेंजेस? वट आर द मोर चैलेंजेस दैट द LGBTQ कम्युनिटी इज फेसिंग? क्या पता इसके बारे में? हाँ अननेचुरल सेक्स जो है वो क्राइम नहीं है. और चैलेंजेस क्या हैं फिर? I'm sorry, I'm interrupting. What is your qualification? Very good. For how long you been preparing? पेपर 19 में देना है. मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा पेपर 19 में देना है. कब से शुरू किया पढ़ना? प्री नहीं हुआ. ओके चलो ये बताओ चैलेंजेस क्या बचते हैं फिर. क्वेश्चन पता क्या आ रहा है? अब देखो आज मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ. व्हेन वी प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम वी हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज. जो उसने पूछा मुझे पिन पॉइंट करके आंसर देना है राइट. अब मैं तुम्हें ना एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ.
अगर वो मेरे से पेपर में पूछे कि अकबर की मनसबदारी पॉलिसी के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस क्या थे, तो मुझे ना ये शुरू ही नहीं करना बताना कि अकबर कहाँ से आया था, अकबर राजा कैसे बना, अकबर की और पॉलिसीज़ क्या थी। मुझे सीधा शुरू करना है, अकबर ने इस साल में मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया जो कि उसका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म था, जिसमें ज़ात एंड सवार के थ्रू लोगों की एंट्री होती थी जो कि मीर बख्शी के थ्रू एनरोल किए जाते थे। इसके एडवांटेजेस क्या हुए, कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर हो गया, रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला, चार पांच मैं एग्जांपल्स दूंगा इसके एडवांटेजेस के। फिर बेटा तूने क्वेश्चन दोबारा सुनना है अब, और जल्दबाजी नहीं करनी। सवाल ये है कि 377 को अब डीक्रिमिनलाइज कर दिया, अब चैलेंजेस क्या हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस नाउ। देख चैलेंज ये है कि अननेचुरल सेक्स को डीक्रिमिनलाइज तो कर दिया, अब ये बताओ क्या सोसाइटी इन मैरिजेस को एक्सेप्ट कर लेगी। पहला चैलेंज, क्या मैरिजेस एक्सेप्ट होंगी। जो इंडिया में मैरिजेस का सिस्टम है ये तो रिलीजियस सेंक्शन के साथ भी चलता है, राइट, और रिलीजियस सेंक्शंस में क्रिश्चियनिटी में भी गे सेक्स अलाउड नहीं है और इस्लाम में भी अलाउड नहीं है, तो क्या वो धर्म इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर धर्म ही नहीं करेंगे तो सोसाइटी कैसे कर लेगी। दूसरी बात, मैरिजेज नहीं होंगी तो चाइल्ड अडॉप्शन की बात आ जाएगी। अब क्या जैसे शरीयत है, शरीयत कानून में तो चाइल्ड अडॉप्शन का प्रोविजन ही नहीं है, क्या बाकी जगहों पर भी चाइल्ड अडॉप्शन वो करवाएंगे ऐसे लोगों को कि नहीं करवाएंगे। एक ये चैलेंज खड़ा हो गया, क्या बच्चे अडॉप्शन में इनको फैसिलिटेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, सोसाइटी इनको बुली तो करती है ना, जो होमोसेक्सुअल होते हैं सोसाइटी उनका मजाक उड़ा देती है, उनको बुली कर देती है। कानून बना है कि ये डिक्रिमिनलाइज नहीं है, जैसे ना एक कॉन्सेप्ट लो, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस नहीं करनी, ये कानून है। अगर कोई अनटचेबल को डिस्क्रिमिनेट करेगा उसको सज़ा मिलेगी, उसके लिए कानून बना हुआ है प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। तो अब कोई एक होमोसेक्सुअल क्लास में बैठे हम उसको बोले चल चल पिछड़ के बैठ, उसके लिए क्या कानून बनाया, वो तो कोई कानून ही नहीं है। तो कितना बड़ा चैलेंज है, इनके साथ जस्टिस कैसे होगा। सिर्फ डीक्रिमिनलाइज कर देने से जस्टिस थोड़ा हो गया, इनके लिए कोई प्रोटेक्टिव कानून भी होना चाहिए अब, राइट। फिर क्या हमारे स्कूलों में सेक्स एजुकेशन में जेंडर और सेक्स के बीच का डिफरेंस अब बच्चों को समझाया जाएगा, क्या ये स्कूल एजुकेशन ऐसी होगी कि एफएमएट लोगों को थोड़ा सा ये अब इक्वल प्ले फील्ड पे लेके आए। ये नए चैलेंजेस पड़े, अब सरकार को इनके बारे में सोचना है। पहला स्टेप हो गया कि डीक्रिमिनलाइज कर दिया, बियॉन्ड दैट जो चैलेंजेस उस कम्युनिटी के हैं उसके लिए अब क्या करना है। जर्नी ख़त्म थोड़ा हो गई, हम सारे मानते हैं हम उस कम्युनिटी के लोग हैं, राइट, हम सब होमोसेक्सुअल्स हैं। आज हमने मिलके अपने राइट्स के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड ले लिया कि सरकार ने मान लिया कि ये क्रिमिनल नहीं है, अभी सोसाइटी को तो चेंज करना है। द सिचुएशन इज एग्जैक्टली द सेम राजा राम मोहन रॉय ने सती बैन करने के लिए या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रिमैरिज लीगलाइज करने के लिए कानून बना दिया, क्या सोसाइटी मान गई। फिर ना ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कौन से टॉपिक में आएगा, ये पॉलिटिकल टॉपिक है, ये सोशल टॉपिक है कि ये एथिकल टॉपिक है। पेपर तो एथिक्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, एथिकल राइट्स ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी। सो जब तक हम तैयारी मेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं करेंगे हमारा प्री कभी तैयार ही नहीं हो सकता। अब जब मैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ूंगा, मैं इनके साथ के अटैच्ड इंफॉर्मेशंस पढ़ लूँगा कि इंडिया में चाइल्ड अडॉप्शन के क्या प्रोविजंस हैं, कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स मुझे पता होंगे, हो सकता है वो प्री में मेरे से एक क्वेश्चन यही पूछ लें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट चाइल्ड अडॉप्शन राइट्स इन इंडिया। क्योंकि ये इशू इंपॉर्टेंट क्यों हो गया कि अब ये आइडिया आ गया कि क्या एलजीबीटी कम्युनिटी अडॉप्ट करेगी, तो अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट हो गया। सो मुझे इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स बताने चाहिए। अब ना तो ये अकेली एनसीईआरटीज कर सकती हैं, ना ये अकेली विजार्ड कर सकती है, ना ही ये विजन कर सकता है। इसके लिए हमें करना क्या है, मैं भी नहीं कर सकता, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता, हमें खुद को एफर्ट मारना है। वो एफर्ट अगर रेगुलेटेड हो, मॉनिटर्ड हो तो बेटर होगा, और अगर वो रेगुलेटेड नहीं है तो फिर उसका कोई एंड नहीं होगा। सी जर्नी विल ऑलवेज स्टार्ट, समवन हु इज स्टार्टिंग दिस जर्नी वो स्टार्ट तो ऐसे ही करेगा, उसको बहुत कम नॉलेज होगी, फिर वो एक्सपैंड करना शुरू करेगा। अब इशू ये है कि ये एक्सपैंड करते हुए कहाँ तक जाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस एक्सपेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये कहीं ऐसे तो नहीं हो जाएगी,
अगर ये ऐसे हो गई तो नैरो फनल बन गया, यानी कि हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स नहीं आए, हमें पता ही नहीं था कि क्या क्या पढ़ना है, किस किस चीज़ की इंटीग्रेशन करनी है। और अगर ये नैरो ना होके बहुत ज़्यादा वाइड हो गई तब भी हमें नहीं पता होगा कि इतनी चीज़ों को रिवाइज कैसे करना है, वेयर टू पुट अ लाइन, है ना, फुल स्टॉप लगा दिया कि बस इसके बाद नहीं मैं पढ़ूंगा, इतना पढ़ लिया, इसको मैं 5 बार रिवाइज करता हूँ, फिर मैं पेपर देने जाऊँगा। सो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस तैयारी में। अब एक NCERT की बुक्स हैं, राइट, एक एडवांस बुक्स हैं। एडवांस बुक्स का मतलब हो गया जैसे कि तुम जिसको लक्ष्मीकांत कह रहे हो ना, वो बुक नहीं है, वो गाइड है, राइट। इट इज़ वेरी गुड फॉर क्विक रिविजन, बट उससे मेंस का कोई आंसर कैसे लिखोगे तुम? वो तो प्री के लिए फैक्ट सप्लाई कर रही है, मेंस के आंसर तो दे नहीं रही। ऐसी स्पेक्ट्रम है राजीव हीर की, वो प्री के लिए फैक्ट्स दे रही है, मेंस के लिए आंसर थोड़ा दे रही है। सेम वे तुमने रमेश सिंह सर की बुक का नाम लिया, बहुत अच्छी बुक है, पर कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो रिटेन कैसे करनी है? सेकेंडली उसमें से आंसर कैसे लिखने हैं मेंस के? प्री के लिए तो फैक्ट्स आ गए, हाउ अबाउट मेंस आंसर्स? तो एक हो गई NCERTs, एक होगी एडवांस बुक्स। जो हम बात कर रहे हैं वो हैं गाइड्स, और वो परहैप्स प्री से पहले क्विक रिविजन के लिए तो हम यूज़ कर सकते हैं, बट प्रॉपर तैयारी में थोड़ा वो हमारे लिए हैंडी होंगी। फिर आती हैं न्यूज़पेपर्स प्लस मैगजीन्स, ये तीन चीज़ें हैं जो हमारी तैयारी कराएंगी। पर अब इन तीन चीज़ों में दो आइडियाज़ हैं, NCERTs कौन सी पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, एडवांस बुक्स कौन सी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, और कैसे इन दोनों को इंटीग्रेट कर लेना है। तीसरा, न्यूज़पेपर और मैगजीन कौन कौन से पढ़ने हैं और कितने पढ़ने हैं, क्या एंड कहाँ पे होगा, मैं एक्सप्रेस पढ़ूँ कि मैं हिंदू पढ़ूँ कि मैं लाइव मिंट पढ़ूँ, 1, 2, मैं योजना पढ़ूँ कि कुरुक्षेत्र पढ़ूँ कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली पढ़ूँ, राइट, मैं PIB की साइड पे जाऊँ कि मैं विजन की साइड पे जाऊँ कि मैं GK Today पे जाऊँ या मैं इनसाइट्स पे जाऊँ या मैं कोई और वेबसाइट फॉलो करूँ या Unacademy को फॉलो करूँ, कितना कुछ फॉलो कर लोगे। अल्टीमेटली तैयारी तुम लोगों ने अगर 2019 का एम रखा है तो तुम्हारी तैयारी कितनी देर में होनी चाहिए? तुम ये सोच लो कि हम अक्टूबर में तैयारी शुरू कर रहे हैं, 15 दिन तो भी तुम्हें, अगर तुम आज भी शुरू कर लो 15 दिन तो सिर्फ स्टार्टअप प्रोसेस है, अपने आप को गैल्वेनाइज कर रहे हो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने हैं तुम्हारे पास जिसमें तुम अपने मेंस को भी थोड़ा सा ब्रश कर लो। रीज़न बीइंग क्या है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 मंथ्स जो फर्स्ट टाइमर हैं उनको प्री को डिवोट करने ही पड़ेंगे। अगर हमने प्री को कम टाइम दिया तो प्री कभी होगा ही नहीं। प्री को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया कि अभी से हमने प्री शुरू कर दिया तो फिर हमारा कभी मेंस तैयार नहीं हो सकता। 2 जून को हम प्री देंगे अगले साल 2019 में, 3 दिन का रेस्ट तो बॉडी मांगेगी, माइंड एंड बॉडी, बिकॉज हमने तैयारी अक्टूबर में शुरू कर दी है। वट वी हैव डन इज 8 मंथ्स की हमने बहुत हार्ड प्रिपरेशन की है, तो बॉडी हफ्ता रेस्ट मांगेगी। तो अगर हम इसके बाद 10 जून को फिर से शुरू कर दें मेंस के लिए, 20 दिन मेरे पास जून के होंगे, जुलाई, अगस्त और सितंबर एंड में तो पेपर फिर से आ जाएगा, दैट मीन्स मेरे पास ले दे के 3 महीने बचेंगे। क्या मैं इन 3 महीनों में पूरे का पूरा अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट GS 1, 2, 3, 4 ऐसे पेपर और लैंग्वेजेस के दोनों पेपर, क्या मैं ये सब तैयार कर लूँगा 3 महीनों में? वो तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो मैंने पता प्लान क्या बनाया, आई स्ट्रेटेजाइज, लेट्स प्रिपेयर फॉर प्री एंड मेक इट श्योर दैट आई डोंट क्वालिफाई द मेन्स। प्री 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 तैयार कर लेते हैं, मेंस को छोड़ो, अगले साल फिर प्री देंगे 1 साल की तैयारी करके। कितने स्टूडेंट्स हैं जो बार बार प्री देते रहते हैं, 80% का तो प्री नहीं क्लियर होता 4-4, 5-5 अटैम्प्ट में। जिनका क्लियर भी होता है उनके साथ अनफॉर्चुनेट क्या होता है, उनको मेंस से का बाद कभी इंटरव्यू की कॉल नहीं आती, फिर वह कैसे विशेष सर्कल में फंस जाते हैं, जिस टाइम पर उनको अपने मेन को कंसॉलिडेट करना था उस टाइम पर वो मेन्स की क्विक रिविजन कर रहे हैं, जिस टाइम पे उनको प्री को कंसोलिडेट करना था वो प्री के क्विक रिविजन्स कर रहे हैं, कंसोलिडेशन हो ही नहीं पा रहा। सो हमने ना एक फूल प्रूफ प्लान बना लेना है, एंड अनलेस वी मेक वन स्ट्रेट स्ट्रैटेजी, हम प्रेपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। आई होप दिस मेक सेंस टू यू। ना तुमने लास्ट ईयर में कुछ ऐसी गलती की होगी थोड़ी, राइट, सो हमें ना इस गलती से अब बाहर आना है। स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि 1 साल को डिवाइड करना है डिफरेंट पार्ट्स में।
पहला पार्ट जो है वैसे तो एक साल पूरा होना चाहिए था, ये इससे पीछे के हमारे पास 4 महीने होने चाहिए थे, सितंबर में तैयारी शुरू करते, अगस्त में करते, जुलाई में करते या जून में करते। अगर मेरे पास ये 4 महीने पूरे होते तो मैं क्या करता, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो मेरे पास होते 7 महीने, इसमें मैं अपना मेंस पूरा ख़त्म कर देता, ऑप्शन पूरा तैयार होता, जीएस 1, 2, 3, 4 पूरे तैयार होते, ऐसे भी तैयार होता, फिर मैं ये 5 महीने सिर्फ प्री को देता। अब जब मैं यहाँ पे प्री पढ़ता मेरे को कोई टेंशन ही ना होती। लेट्स टेक टू एग्जांपल्स, 1857 का रिवोल्ट तैयार किया था मेंस के लिए, मेंस के लिए तैयार करते हुए मैंने रिवोल्ट के कॉजेज भी तैयार किए थे, इवेंट्स भी तैयार किए थे, कॉन्सिक्वेंसेज भी तैयार किए थे, नेचर भी तैयार की थी। जब मैंने रिवोल्ट के कॉजेज पढ़े थे उसमें सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ब्ला 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 सारे कॉजेज पढ़ दिए। जब सोशल कॉजेज पढ़े उसमें पढ़ा कि राम मोहन रॉय की एफर्ट्स ने सती बैन कराया 1829 में जब विलियम बेंटिक थे। ये तो प्री के लिए ट्रिविया अपने आप तैयार हो चुका था। तो इन 5 महीनों में मैंने कुछ नया थोड़ा पढ़ना था, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिपीट करना था। सेकेंडली, जब मैंने 7 महीने लगा के न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स पढ़ लिए थे मेंस पर्सपेक्टिव से, जैसे अभी मैंने ये समझाया, उस केस में मेरे पास ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन होती। अगर अब 377 पे नई न्यूज़ आएंगी, इफ़ आई हैव बीन रीडिंग 377 फ्रॉम दिस डे और आज उस पर न्यूज़ आनी शुरू हो, मेरे लिए नया क्या होगा उसमें, मैं पहले उसके साथ फेमिलियर हो चुका हूँ। तो इन दिनों में नया बहुत कम ऐड होगा, सिर्फ वो फैक्ट्स जो बहुत ही ट्रिविया वाली इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं कि एक नई मिज़ाइल टेस्ट फायर की, उसकी इतनी रेंज कर दी, अब वो फैक्ट्स को याद करने पे मैं टाइम लगा सकता हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ों की तो मेरी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। फिर वो जो फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इन 5 महीनों में वो भी तैयार करती है। ये तो एक बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेटजी है कि 7 मंथ्स मेन, 5 मंथ प्री, फिर 3 महीने में जितना तुमने मेंस के लिए इन 7 महीनों में पढ़ा था उन 3 महीनों में तुम उनको सिर्फ रिवाइज करते हो, देन तो सक्सेस बिकम्स क्वाइट सिंपल एंड ईजी। बट अब अभी भी एक स्ट्रेटजी बन सकती है, जो हमारे पास ये 3 महीने हैं इसमें हम क्या करें, एक तो पेपर 4 जो प्री के साथ कहीं भी एसोसिएट ही नहीं हो रहा, बिल्कुल डिफरेंट खड़ा है स्टैंड अलोन, हम ये तैयार कर लें, पेपर 4 अभी तैयार करें और ट्राई ये करें कि 20 अक्टूबर तक, अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं अक्टूबर 1 को तो 20 अक्टूबर तक ख़त्म हो जाए। आज 15 सितंबर है, 15 दिन दिमाग लगाओ कि तैयारी करनी है, अदरवाइज सिचुएशन ये है कि आज अगर डिसीजन ले लो तो कल से तैयारी शुरू होनी चाहिए। अगर तुम कल से तैयारी शुरू कर लो कि हमने 16 से तैयारी शुरू की है और प्रिज्यूम करो 16 से करके तुम 5 अक्टूबर तक ये ख़त्म कर लो, एथिक्स का पेपर 7 अक्टूबर तक कर लो, 10 अक्टूबर तक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुमने 20-25 दिन लगा के एथिक्स का पेपर बढ़िया से तैयार कर दिया तो तुम्हारा पेपर 4 सॉर्टेड है, अब तुम्हें प्री के बाद उसको सिर्फ रिवाइज करना है, तैयार नहीं करना, राइट। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री है जो सिर्फ प्री में मेंस में आनी है, प्री में तो आनी नहीं आईएएस के पेपर में, फिर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पिक करूं, 15 दिन में वर्ल्ड हिस्ट्री पे लगा दूं, राइट, 15 दिन लगाऊं तो मैं 25 अक्टूबर तक पहुंच गया। 25 अक्टूबर तक मेरे पास पेपर 4 पूरा तैयार था, वर्ल्ड हिस्ट्री तैयार हो गई। फिर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी उठा लूं, ये भी मेंस के लिए प्री के लिए नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी मींस डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, इसमें मुझे एटलीस्ट अब 25 दिन चाहिए अगर मुझे अच्छे से तैयार करना है, ताकि जब मैं प्री के बाद बैठूं तैयारी करने तो मेरे को ये चीज़ें पहले पता हों कि इंडिया अमेरिका के रिलेशंस में आजकल क्या क्या चल रहा है, ईरान के साथ डील होगी, अमेरिका के साथ डील होगी तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक दूसरे के रिलेशंस पे। जैसे अमेरिका बोल रहा है कि ईरान से ऑयल नहीं लेना, इंडिया बोल रहा है ईरान से ऑयल लिए बिना सर्वाइवल नहीं है, अमेरिका बोलता है फिर हम ईरान पे सैंक्शंस लगाएंगे, जो ईरान से ट्रेड करेगा उस पे भी सैंक्शंस का इफेक्ट आएगा, ये सारे अंडरस्टैंडिंग तो अभी डेवलप कर लें। तो अगर मैं 25 दिन इस पे और लगा देता हूँ, दैट मीन्स मैं 5 अक्टूबर तक पहुँचा था, 5 अक्टूबर के बाद के 25 दिन जो मैं और नहीं, हमने शुरू किया था सबसे पहले कल से और एथिक्स किए थे 15 अक्टूबर तक, उसके बाद मैं 25 दिन लगा रहा हूँ, तो दैट मीन्स 15 दिन लगाए थे, मैं डेट एग्जाम सो सॉरी, हम 10 अक्टूबर तक पहुँचे थे, 25 दिन और लगाएंगे तो हम नवंबर में आ गए, एंटर कर गए, बीच में वर्ल्ड हिस्ट्री भी की थी, हमारा अक्टूबर एंड हो गया, अब हम आ गए हैं नवंबर में। नवंबर में मैं उठा लूँ इस टाइम पर ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, इसको करंट और थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करूँ,
फिर मैं उठाऊँ बेसिक इकोनॉमिक्स और इसका करंट ना छेड़ूँ, क्योंकि करंट तो मैंने मार्च में देखना है जब बजट भी आ जाएगा और इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा, तो इसकी बेसिक पार्ट को मैं कवर कर दूँ। फिर मैं उठा दूँ मॉडर्न इंडिया, उसका सारे का सारा कॉन्सेप्ट मैं अभी ख़त्म कर दूँ। मेंस में मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, जब कल्चर पढ़ना है वो मैं इस टाइम पे पढ़ूंगा प्री के टाइम पे, और उसको पढ़ी ऐसे लूँगा कल्चर को, क्योंकि बर्डन कम होगा, मॉडर्न इंडिया मेरी ऑलरेडी तैयार होगी, तो कल्चर मैं उस टाइम पे भी प्री कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकता हूँ, कि मेंस में क्वेश्चन आए तब भी मैं आंसर लिख दूँ, नोट्स ऐसे प्रिपेयर करेंगे। नाउ आई हैव डन ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इंडिया, पेपर फोर, वर्ल्ड हिस्ट्री, IR सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे कॉम्पोनेंट मेरे कवर हो गए। इतने में मैं दिसंबर तक पहुँच गया। अब जब दिसंबर तक मैंने ये सारे कंपोनेंट्स तैयार किए, अगले 10 दिन का मैं एक ओवरलैप लूँगा, दिन में मैं 1 से 1.5 घंटा रखूँगा, जिसमें मैं साथ में एसे की प्रैक्टिस करूँगा। इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद मेरे पास इतनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि अब मैं एसे की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। साथ साथ मैं करूँ एसे की प्रैक्टिस और आज से मैं प्री मोड पर चला जाऊँ। जैसे ही मैं प्री मोड पर गया, ये 15 दिन जो मैं जनवरी में रख रहा हूँ पहले एसे प्रैक्टिस के लिए, इन दिनों में मैं अभी सी सेट पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग है। फिर मैं इन दिनों के बाद से लेके यहाँ तक सी सेट पर पूरा ध्यान दूंगा 4.5 महीने, क्योंकि सी सेट में बहुत सारे लोग एक एक दो दो नंबरों से मिस कर जाते हैं, और वो क्वालिफाइंग है, अगर वो पास नहीं हुआ तो GS में कितने भी मार्क्स से तो फ़ायदा ही नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ एंशियंट एंड मेडिवियल प्लस कल्चर के साथ, राइट। अब इसके बाद मैं शुरू करता हूँ पॉलिटी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। अब मेरा एक पार्ट मिस हो गया, गवर्नेंस, वो मैं प्री के बाद भी तो कर सकता हूँ, क्योंकि छोटा सा कंपोनेंट है गवर्नेंस, इट विल टेक मी अनदर 10-15 डेज टू प्रिपेयर गवर्नेंस इफ आई हैव डन दिस, और एक 10-15 दिन का कंपोनेंट बचा मेरा सोशल इश्यूज़ का, और एक 10-15 दिन का बचा पॉलिटिकल इश्यूज़ का, वो मैं प्री के बाद के लिए रख लेता हूँ, अभी वो सारा कवर नहीं हो सकता, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। प्री के बाद ये कर लिया, फिर यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी किया, फिर इन्वायरमेंट को लेके जो जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई वो की, राइट। उसके बाद मैंने फिर उठा लिया यहाँ पे साइंस एंड टेक वाला पार्ट, जो प्री में भी आना और मेंस में भी आना, पर उसको इस टाइम पे तैयार दोनों के लिए कर दिया। अब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, GS इज़ ऑल सॉर्टेड, CSET इज़ सॉर्टेड, लेकिन अभी इससे बड़ा चैलेंज है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। सो व्हाट आई नीड टू डू नाउ इज कि इन्हीं 3 महीनों में मैं एटलीस्ट अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर ए और बी जो होता है, इनमें से एक पेपर कंप्लीट कर लो, ताकि प्री के बाद मैं 4 महीने लगा के सब्जेक्ट कंप्लीट ना करूं, मेरे पास टाइम ही 3 महीने का। इस टाइम में 2-2.5 महीनों में सिलेबस कंप्लीट हो पेपर ए का, और साथ में उसके 10-15 दिन टेस्ट भी हो जाएं, ताकि मुझे गारंटी हो जाए कि मेरा पार्ट 1 पेपर का कंप्लीट हो चुका है। प्री के बाद 2 महीने लगा के फटाफट से पार्ट 2 करूं, और साथ में उसके टेस्ट दे दूं अगले 15 दिन में। अगर मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं की तो मेंस की तो कॉल तैयारी हुई नहीं कभी भी लाइफ में, सिर्फ प्री प्री करते रह गए। नाउ दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय मेकिंग अ स्ट्रेटजी फॉर दिस एग्जाम। नाउ मीनवाइल अपने डाउट्स बताओ अगर कोई आया माइंड में, तो फिर हम सोर्सेज की बात करें। सर देखो सर, उसमें ना दो चीज़ें हैं। आंसर राइटिंग के लिए पहले तो हमारे पास ना मैटर होना चाहिए कि आंसर राइटिंग करनी किस चीज़ पे है। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, करा के आपकी क्वालिफिकेशन क्या? बीटेक। कहाँ से? IIT से। एंड हाउ अबाउट यू? ओके। पेपर तुम आपने भी दोनों ने 19 में देना? 19 में। ओके। अब आप लोगों ने साइंस की हुई है तो कुछ तैयारी शुरू की है, जैसे मैं इन सबसे पूछ चुका हूँ ऑलरेडी ये, या बिल्कुल स्क्रैच से कर रहे हैं? तो फिर ना मैंने इनको एक अति एग्जांपल दिया था कि आंसर लिखना है तो कैसे लिखना है। अभी 377 की बात चली थी और उसको कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया। अब पेपर में वो क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट आर द मोस्ट चैलेंजेस लेफ्ट फॉर द कम्युनिटी, अब पहले तो पढ़ा होगा तभी आंसर लिखेंगे। सो मैं डे 1 पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात कैसे करेंगे हम, राइट। सो होना पता क्या चाहिए, हमारा जो इन क्लास प्रोग्राम होता है, यू कैन आस्क द स्टूडेंट्स सिटिंग हियर, व्हाट वी डू इज आप आओ क्लास में, पहले 4 या 5 दिन तो हम सिर्फ पढ़ते रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे।
राइट, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ जो भी टीचर है क्लास में। फिर एक वीकली ऑफ आएगा, उसके बाद से जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी उसमें मैं क्लास में आऊँगा, आई विल गिव यू वन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव डन इन द पास्ट वीक। ऑन दैट क्वेश्चन यू हैव टू राइट आंसर इन 7.5 मिनट्स। दो वी नो दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट टू स्टार्ट आंसर राइटिंग इन 7.5 मिनट्स, बट वी टेल दम इज दिस इज योर नोटबुक, स्टार्ट राइटिंग योर आंसर बाई हैविंग अ लुक एट द वॉच। नाउ वैन इट इज 7.5 मिनट्स, ड्रॉ अ लाइन दैट दिस इज वट आई कुड राइट, बट देन कॉन्टिन्यू राइटिंग योर आंसर। वी विल गिव यू 15 मिनट्स टू कम्प्लीट इट, बट इवन इफ इन 15 मिनट्स यू कॉन्ट कम्प्लीट इट, देन स्टॉप राइटिंग इट। देन टीचर विल कम, ही विल डिक्टेट द आंसर इन द क्लास दैट दीज आर द पॉइंट्स विच आर मस्ट इन यूर आंसर। If you have missed any of these points, then you have to add on to it. We will not evaluate these answers on day-to-day basis. We will just guide you, right? Then once the topic finishes, let's say we are doing world history, the topic ends today, there will be a test in the next week on world history. Now this test will be evaluated and will give you proper feedback that where you missed, what you lacked, and how it is to be improved. But while doing this practice in the class, we are trying to make you habitual to complete your answers in 7.5 minutes. Now why it is important? Because in paper if we have to write 25 answers, let's say of minimum 150 words, that makes 3750 words that are to be written in 180 minutes. Right? This is must, but who gives us this 180 minutes? This is an illusion that yes, we have these 180 minutes. Why this is an illusion? 25 statements are to be first read, decoded, understood, and understood in the context of the directive as well, whether he has asked us to explain, elucidate, comment, analyze, or critically analyze. What exactly has been asked? Accordingly, I have to plan my answer. Now, let's take one example. The Indian borders are vulnerable. What recent technological upgradation have been done? To what an extent there is still a scope for improvement? This is one question. लेज़र फेंसिंग हुई है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है। थर्मल सेंसिंग हुई है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है। सैटेलाइट पोजीशनिंग हुई है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है। पहले ये सारी बातें याद भी तो करनी है, तभी आंसर लिखना है। इफ़ आई गिव एट मैक्स 1 मिनट टू एवरी क्वेश्चन टू बी रेड एंड अंडरस्टूड, आई हैव लॉस्ट 25 मिनट्स आउट ऑफ 180 मिनट्स, लेफ्ट विद ओनली 155 मिनट्स। नाउ विद इन दीज 155 मिनट्स आई हैव टू अकम्प्लिश दिस टास्क ऑफ 3750 वर्ड्स। हैव आई एवर मेड प्रैक्टिस फॉर दिस? Or I was just reading and writing and making notes. When did I start writing answers properly with a precision ki mujhe 7.5 minutes mein khatam karna hi karna hai. Now otherwise, you know what happens when I read the question paper sitting at home, I feel like bhai out of these 25 I know answer to 22 straight on. When I know answer to 22 straight on and then I start writing answers, student come, perhaps one day she will come and show me an answer that will be one of the best answers ever seen. And I feel like giving at least 6 on 10 to her, which is topper's marks, right? And then I ask her, "Bachche, how much time did you take writing this answer?" And she tells me, "Sir, 30 minutes." I will give her only 1 mark instead of 6, because if I end up writing one answer in 30 minutes, in 155 minutes, I will end up writing 5 answers. 200 marks ka paper I'm going to leave. Then what's the fun of preparing for this exam? The preparation is not about just reading. It is not about just making notes. It is not just about remembering the things. It is more about writing and writing with an expression and flair. So this is what we would like to do in the classes. Aaj subah, if you would have been here, abhi board jab saaf hua, ispe maine answer likha hua tha, model answer. Kal inko maine parson world war karai thi. Aaj aate inko maine question diya. Discuss the circumstances from 1870 onwards that led to World War I. To what an extent Germany was responsible for it. बच्चों ने आंसर लिखा, कुछ का आंसर अच्छा था, कुछ का बुरा था, फैक्ट सबके ठीक थे क्योंकि क्लास में मैंने लिखवाए थे, उन्होंने बुक में पढ़े थे, फैक्ट्स तो ठीक होने ही थे, बट प्रेजेंटेशन सबकी डिफरेंट थी। फिर मैंने इनको प्रेजेंटेशन बना के दी कि लिखना कैसे है, 1870 का ईयर इंपॉर्टेंट क्यों है। 1870 में जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई, जैसे ही जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई, बिस्मार्क यूरोप का मास्टर डिप्लोमैट बन गया। जैसे बिस्मार्क यूरोप का मास्टर डिप्लोमैट बना, बिस्मार्क ने फ्रांस को आइसोलेट करने के लिए अलायंसेज बनानी शुरू कर दी, उन अलायंसेज के कारण वर्ल्ड वार हुई। सो 1870 इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस। फिर 5-7-10 फैक्ट्स बताए कि ये अलायंस बनी, वो अलायंस बनी, उसके ये इम्पैक्ट हुए। फिर बताया कि सिर्फ अलायंसेज ही कारण नहीं था, रशिया की पैन स्लेविज्म की पॉलिसी भी एक कारण थी जिसके कारण वो सर्बिया को प्रवोक कर रहा था ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ने के लिए।
उसी तरह ऑटोमैन एम्पायर वीक हो रहा था सिक मैन ऑफ यूरोप, तो यूरोप में जो ऑटोमैन एम्पायर की टेरिटरीज थी वहाँ पर रिवोल्ट्स हो रहे थे जिसके कारण बालकान वॉर्स हो गई थी। तो मल्टीपल फैक्टर्स से वर्ल्ड वार हुई, क्योंकि फैक्टर्स मल्टीपल हैं तो कंक्लूजन क्या था, हाउ कैन जर्मनी बी सोली रिस्पॉन्सिबल, इट कैन बी ओनली पार्शली रिस्पॉन्सिबल। सो टू व्हाट एन एक्सटेंट जर्मनी इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज पार्शली रिस्पॉन्सिबल, बट टू बिल्ड अप दिस आर्ग्यूमेंट यू हैव टू फर्स्ट गिव प्रॉपर एग्जाम्पल्स कि पैन स्लाविज्म में जर्मनी का कोई रोल नहीं है, ऑटोमैन एम्पायर के वीकनिंग में जर्मनी का कोई रोल नहीं है। हाँ, बाकी तीन बातों में जर्मनी का काफ़ी रोल है, बट दैट डजंट मीन कि जर्मनी इज सोली रिस्पॉन्सिबल। सो दिस इज व्हाट वी डू इन द क्लासेस। Nobody has asked us to write, the statement says not more than 150 words. You can reduce the words. No. We have to learn this art. We have to finish answers in less than 150 words, but without compromising with the content. If we don't know this art, then we have not prepared for this exam. If I am exceeding the word limit, they are not going to give me additional marks for it. Rather, they are going to deduct the marks for poor management of time. So we need to understand that yes, we have to finish the answers within that stipulated time, and we have to learn the art of presentation. What I have said, I finished this answer in 138 words, giving all these examples. Right? Or koi doubt? No. Answer writing is answer writing. Once you master the art of answer writing, then you know that how you have to write answer to this particular question. Right? Basically, the content will be same. Only the presentation will change if they ask. Let's take one example. Discuss India's space program. I have to tell the basic facts of India's space program. Critically evaluate India's space program. That to some extent it is success, to some extent it is failure. These things are success, these are failure. So I need to know the same basic facts. Only the analysis will change, right? Evaluate हुआ तो सिर्फ evaluate कर देंगे, these milestones have already been achieved. Critically evaluate, though these milestones achieved, these are yet to be achieved, the failures are here for instance to take account of the limitations of India's space program. So one was discuss, one was evaluate, one was critical evaluate, but the facts remain the same, only the presentation changed. What more? See, I tell you something. No. I tell you again. Every subject has a typical way of answer writing. That is what we are going to teach you in the classes. That when it comes to history, you have to write answers like this. When it comes to polity, now in polity the question will be totally different, as I gave an example of this 377. It can also be a question in ethics, right? It can be a question in ethics. So the presentation will be different there. Now let's take one example. If I'm doing it in polity, I will not be talking about John Rawls and the idea of justice in polity. But yes, when I talk about LGBT community in ethics, I will be talking about the ideas of John Rawls. Now, have you read anything about John Rawls? Let me give you a small example about John Rawls. Forget about LGBT community, forget about anything. Just think, he talks about something called original position. Now, what is this original position? All of us sitting in this class, believe you guys that somehow it has so happened that we are not sure that whether we are boys or girls. Right? None of us is sure. Who is boy, who is girl? No one knows this. Are we literate or illiterate? We are not sure about it. Are we economically stable or not stable? We don't know about this. Are we hailing from urban centers or from rural centers? We don't know about this. Now, when we know nothing, this is no position. Now, sitting at this position, what kind of legislations would you like? What kind of society, what kind of politics you would like to have? I'm not sure whether I'm a boy or a girl, or perhaps a homosexual or a third gender. I know nothing. This is my original position. I would like na, this society should treat everybody alike. If I am a boy, I should be respected. If I am a girl, I must be respected. If I am a third gender, hijda hu main, I should be respected. If I am a homosexual, I should be respected. While sitting in the original position,
that who should be given the privilege, who should have more rights. Obviously, those who are weak, who are vulnerable. So let's make society like this. So ethics mein answer is tarah move ho jayenge, politics mein factual reh jayenge. So that is what the art of answer writing will be discussed in the classes by different teachers. It will not be like that entire topic is taught by me. I can be a good teacher in history, perhaps an average teacher for polity, an average teacher for IR, and a pathetic teacher for geography or ethics. And if I keep on teaching everything and try to make it one man show, that is befooling the students. Going back into the original position, if I think that had it been me who been taught all subjects by one teacher, I would have been at disadvantage. Right? What more? Languages is after the pre, we'll give 1 hour alternate day, one day to Hindi, one day to English. And this will be done 15 days in 1 week, 1 month, 15 days in second and 15 in third, and everything is sorted. It's basic grammar of 10th standard, nothing to worry about. English will be taken care of if we have prepared for our mains well, basic grammars, and Hindi we have to just revise what we have done in class 10. What more? No. It's only grammar. The first and the foremost thing is my academic background. If something, let's take one example. Somebody comes and says, sir, I have done 5 year law, BA LLB or BCom LLB. And then he says, sir, I don't want to take law. Why? If something you couldn't master in 5 years, what new subject you will master in 4 months? That's one of the biggest myth created by some of the professional commercial institutes. Why? Because they didn't have teachers for other subjects, they promoted some of the subjects. Had it been that UPSC favor one and disfavor the other, there is a possibility that UPSC should have, you know, removed that subject from the list of optional subjects. If there was to be a discrimination against a particular subject, then the discrimination should have been this subject is not available as computer science is not available. Right? So every subject is equally scoring. Every subject is equally success, having a success rate. The only issue is, do I have interest in that subject or not? So if in my academic background, now with due respect to all of us, I started doing non-medical in my plus one to find it that it is forced on me. My father or someone asked me, or under peer pressure, I thought humanities is something that is bad, and I started doing engineering. Then I ended up not getting admission in IITs or NITs or PEC or Thappers, and then ended up in some B grade schools. And what stream did I opt for? Was it electrical, was it computer, or is it like production mil gaya to wo bhi le liya? Ban to sare engineer gaye, par kya ab main physics, chemistry, mechanical, civil leke compete kar sakta hun? Ye bahut technical subjects hain. Agar main nahi kar sakta aur main self evaluate kar sakta hun, koi nahi kar sakta iske liye evaluate, fir mujhe humanities ke subject ke bare mein sochna hai, kyunki fir main biology to le hi nahi sakta na. Right? फिर मुझे ह्यूमैनिटीज में आना है. जब मैं ह्यूमैनिटीज में आऊं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूं, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की. इकोनॉमिक्स तो मैं ले नहीं सकता, बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है. सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी उठा लो, साइकोलॉजी की उठा लो, सारी ये एनसीईआरटीज हमारे जीएस में काम आनी आनी है. इन एनसीईआरटीज को पढ़ के मैं देखता हूँ कौन से सब्जेक्ट में मेरी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप होती है, एंड अलॉन्ग विद इट इंटरेस्ट भी सस्टेन हो जाता है कि मैं दूसरी बार वो एनसीईआरटी खोल के पढ़ पा रहा हूँ. ऐसा तो नहीं है हिस्ट्री की दूसरी बार पढ़ता हूँ मुझे बहुत ही बोरिंग होना शुरू हो जाता है, या मैं पॉलिटी उठाता हूँ यार पता तो अब दोबारा नहीं मैं पढ़ सकता, बिकॉज माई ऑप्शन इज सम वन सच सब्जेक्ट विच आई कैन रीड एटलीस्ट 5 times. राइट? ओनली देन इट इज माई ऑप्शनल. सो देन यू डिसाइड योर ऑप्शनल एंड स्टार्ट टीचिंग कोचिंग फॉर इट और सेल्फ प्रिपरेशन फॉर इट, वट एवर सूट्स यू. And if you want to go with your own subject, let's say if she has done geography and she want to go with geography, first of all go check the syllabus. If you know bulk of the syllabus, I'm not saying all of the syllabus, bulk of the syllabus, say about 20-25% of the syllabus is new to you, then so what? If you take a new subject, then 100% syllabus is new. Here only 20%-25% syllabus is new, you can manage it still. Then look at the 5 previous papers. If you know at least 50% of the 5 previous papers, you are sorted for this subject. You have studied it, you know 50% of the paper, you have to prepare only 50%. And if you pick up a new subject, you know nothing about the previous papers. You have to start from very zero. It will take more time instead of your own subject.
So instead of getting mesmerized by the previous results and the pictures of the successful candidates with this particular, that particular subject, try first understand that what particular subject allured them and why, because they had interest in it. If someone like me who opted history and scored good in history, if my younger brother plans ki bhai ka history mein hua, main bhi history le lun, is it possible ki uska history se ho? So optional is your choice, nobody should force it. And nobody should be the guiding principle for that ki mere friend ka, uske friend ka, uske bhai ka is subject se wo tha, isliye main wo subject lunga. Ek aur myth hai, let's say without naming a subject, x subject hai usme 15,000 log appear hue aur y subject hai usme 1500 log appear hue, jisme 15,000 appear hue the total selection 1000 hue hai, let's say jisme 15,000 appear hote uske 500 select hue, जिसमें 1500 हुए थे उसके 50 हुए, तो सक्सेस रेट बराबर नहीं हो गया ये तो. और यही हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं सारे 22 सब्जेक्ट के लोग ही सिलेक्ट हुए हैं, 22 के 22 ऑप्शनल से सक्सेस होकर लोग आए हैं. फ़र्क सिर्फ इतना था उसमें 15,000 थे तो उसमें से 500 हो गए थे, इसमें 1500 थे इसमें से 50 हो गए, किसी एक में 150 थे उसके 5 हो गए. सक्सेस रेट इज़ मोर और लेस सेम इन एवरी सब्जेक्ट. यहीं पर लेट्स अंडरस्टैंड अनदर थिंग, एक एक्स इंस्टीट्यूट है जिसमें 15,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक वाई इंस्टीट्यूट है जिसमें 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक जी इंस्टीट्यूट है जिसमें 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें 15,000 पढ़ रहे थे उसके 500 सेलेक्ट हो गए, जिसमें 150 पढ़ रहे हैं उसके 5 सेलेक्ट हो गए. सक्सेस रेट तो इंस्टीट्यूशन के भी सेम हो गए. दैट मीन्स हु वर द सक्सेसफुल पीपल हु टुक बेसिक गाइडेंस फ्रॉम द टीचर्स एंड देन इम्प्रोवाइज एंड वर्क हार्ड एट देयर ओन. नो इंस्टीट्यूशन कैन क्रिएट सक्सेस, वी कैन ओनली गाइड यू फॉर सक्सेस. It is your commitment, your dedication, your hard work that will bring results. If you think you come and you start getting coaching from us, after a year you start blaming us ki inhone acha nahi padhaya, hum kahin aur jaake padhenge. Then you go somewhere else, ek saal aur padhe, fir paise diye, fir tum unko blame karoge ki is bar unhone acha nahi padhaya. Padhana to sabne wahi hai, same. I teach in Chandigarh, I teach in Delhi, I teach online in various cities. So what's the difference? If in this class there are 50 students, let's say, out of those 53 get selected, I didn't take those 3 students to my place or I didn't go to their home to teach them. It was only in the class that I taught them and 3 of them got selected, 47 didn't. So it has to be your commitment, your hard work, your dedication only under our guidance, and that is the only thing that can make the difference. What more? What strategy I had to explain, I have already explained. And I suppose that makes sense to more or less all of us, that we have to strategize. See, I tell you something. Abna, can I be brutally true with everyone? Yes. And I think that that's honesty is the best policy. No? See, 9 to 6 you work, and I hope you get a little time to prepare in office, to study in office. I had some shading. At max, you can read some newspaper or a couple of pages of a book, and that is it. Now the problem is, let's presume we are not preparing for IAS, we are preparing for Olympics, and the plan is to run 200 meter race. She practices from morning to evening, she practices from morning to evening, and you practice at your leisure. Now how can you compete against them? See, we try to create our comfort zones and think that yes, we can plan, strategize and succeed, but then we have to understand the circumstantial things as well. They have to also conspire for our success. So we have to either create those circumstances, and if we cannot, see, perhaps for you job is a necessity, for somebody it's a choice, then that person can quit the job for a while, you cannot quit the job, then why to plan for 2019, why can't it be 2020? Then it is better na preparing with half-hearted approach, getting dejected by the negative result and leaving the preparation. Instead, prepare for 2 years or perhaps 3 years even, and then appear and get selected without having that burden and the feeling of remorsefulness later on. 2019 belongs to them who have already started, and at least those who will start today and at least give 10 hours a day for their studies, bare minimum, 2019 is for them. If some other institution tells you that join us, even if you are working, join on the weekend, we have a weekend batch. But for my weekend batch, admissions are open only for 2020 and not for 2019 now. And if someone says, come, no worries, we can still do the magic, please try. Because I have my
100% doubt, it is not possible. And it is not just doubt, I am 100% convinced it's impossible. Because people, now you will come across, once you go out, look at classroom number 5. 150 students are sitting there who are getting coaching from our center, not 150, 200 students are sitting together. Every Saturday we make one class. All the students sit together and do their current affairs. Now why they sit together? In different classes they were studying from different teachers, but current affairs are same, newspaper. What you are doing at your own throughout the week, now sit together and see when a teacher asks a question that how many people are aware of that fact. Then you understand what is the level of competition. In this class, perhaps tomorrow morning she starts and within a span of a month, she feels I am a topper amongst all. And then when next weekend she sits in that 200 wali class, she finds she is standing at number 70. 130 students are ahead of her. Aur bolo. Nothing? Very good. You can't leave it, it's all right. Don't leave it. Then we have to strategize. And that's the meaning of strategy. I tell you something. Today is my daughter's birthday. Right? She said, Papa, it's my birthday. You should not work today. Live and stay with me at home. Call off all your classes. And I said, okay, I will call them off. How about the evening party then? If Papa won't work, from where Papa gets money? She said, okay, Papa, go for 2 hours. I stole 1 hour in morning and 1 in evening. I strategize it, na? So you have to strategize it. If you won't strategize now, how will you be successful later on? So, jo log job kar rahe hain, wo request hai. Dekho, agar na main professionally sochun, commercially sochun, aur main tum sabko convince karun, aajo bhai karwa denge, koi tension nahi hai, fees jama karao, padhne baith jao, maze aa jayenge. At the end of the time, you will curse me, and you will be cursing me for a right thing. कि उस टाइम पे कमीने ने मिसगाइड किया पैसे के चक्कर में. बेटर मैं तुम्हें आज ही प्रॉपर समझा दूं कि नहीं पॉसिबल विद जॉब, इट इज़ इम्पॉसिबल. जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक वीकेंड बैच है, एक मॉर्निंग बैच है 7 to 8:30 का. बट देखो अब लॉजिक क्या है, मॉर्निंग 7 to 8:30 डेढ़ घंटे की क्लास है, 6 days a week क्लास है, तो हम तुम्हें 9 घंटे पढ़ा रहे हैं. आफ्टरनून या इवनिंग 11 to 2 या 5 to 8 3 घंटे की क्लास है, हफ्ते में 6 दिन पढ़ा रहे हैं. वहाँ पे हम तुम्हें 15 घंटे पढ़ा रहे हैं, 18 घंटे, यहाँ पे हम तुम्हें 9 घंटे पढ़ा रहे हैं. जो कोर्स हम दोपहर या शाम को 8 महीने में या 9 महीने में ख़त्म करेंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट 16-17 महीने तो लेगा ही लेगा मॉर्निंग में, तो हम ख़त्म ही कैसे कर देंगे? और फिर वो कौन सा ही मैजिक है जो बाकी इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं और मैं नहीं कर सकता, कि उनका सुबह का बैच भी उतने टाइम में ख़त्म होता है और शाम का बैच भी उतने टाइम में. कुछ तो मैजिक है ना वो, जो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑनेस्टी है कि सुबह का बैच 16 महीने लेगा ही लेगा, शाम का बैच 8.5-9 महीने लेगा. अब अगर तो तुम 9 महीने में तैयार कर रहे हो, तो हमारे पास अभी भी स्ट्रेटजी है 2019 की. अगर हम कर ही नहीं सकते इतना टाइम, तो फिर तो 2020 चांस बनता है. हाँ तो फिर आप करो, तो आप करो कोर्स. कोर्स का मतलब अपने आप प्रिपेयर करो या हमें ज्वाइन करो. इट्स नॉट दैट हार्ड सेलिंग हो रही है कि आ जाओ बस फीस जमा करा दो. इट्स लाइक इफ यू कैन डिवोट 10 आवर्स तो करो तैयारी. बट दैट 10 आवर्स मीन्स कमिटमेंट ऑफ 10 आवर्स. 8 घंटे 7 घंटे सोना भी ज़रूरी है बॉडी और माइंड को सिंक्रोनाइज रखने के लिए. हफ्ता 10 दिन हो सकते हैं कि हम 5-6 घंटे सो रहे हैं, रूटीन नहीं हो सकता अगले 1.5 साल का. तो 7 घंटे भी अगर सो रही हो और 10 घंटे पढ़ रही हो, 17 घंटे हो गए. और 6 घंटे की तुम्हारी जॉब है, 23 घंटे हो गए. अब 1 घंटे में खा पी लो, नहा धो लो, आना जाना कर लो, व्हाट्सएप चेक कर लो, टीवी देख लो, 1 घंटा बच गया. बहुत प्रैक्टिकली सोच के डिसीजंस लेने हैं, इमोशनल होकर थोड़ा लेने हैं. और ये कोई ये थोड़ा है कि बैंक का एग्ज़ाम देना, 2 महीने में तैयारी करके अपीयर होना और बैंक का एग्ज़ाम दे देना है. 1 साल की तैयारी करनी है, पूरे 1 साल की. उसके बाद प्रोसेस है प्री मेंस इंटरव्यू, फिर फाउंडेशन कोर्स पर जाना है. तो 1.5-2 साल की जर्नी है, प्लान करके स्टार्ट करो तो बेटर है. अच्छा, तीसरा ऑप्शन भी है जो जॉब कर रहे हैं. एक है वीकेंड बैच, एक है मॉर्निंग बैच, एक है रिकॉर्डेड लेक्चर्स. जो मैं अब बोल रहा हूँ वो सामने रिकॉर्ड हो रहा है, एज़ इट इज़ यही क्वालिटी जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ, यही सारे बच्चे अब यूट्यूब पर देखेंगे. जैसी क्लास होती है वो भी यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है. सिर्फ 1 दिन का बफर होता है.
फिर जो तुम लोग हमसे डील करना चाहोगे, अगर तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो तुम हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो, ईमेल्स कर सकते हो। जो टेस्ट यहाँ पे होंगे तुम्हारे भी होंगे, तुम उन्हें अपलोड कर दो फ़ोटो खींच के, हम तुम्हें व्हाट्सएप पे पढ़ के चेक करके रिप्लाई कर देंगे। सो वी हैव ट्राई टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी टू मेक इट अ रेवोल्यूशन। नाउ इट्स अप टू यू दैट व्हाट यू प्लान। वी हैव प्रोवाइडेड ऑल द अपॉर्चुनिटी पॉसिबल, बट इन एनी केस इफ वी आर स्टार्टिंग टूडे एंड वी आर वर्किंग फॉर एट लीस्ट 8 hours अ डे, देन आई एम सॉरी, बिकॉज 8 hours ऑफ वर्किंग टेक सम टॉल ऑन द हेल्थ एज वेल। वी नीड एट लीस्ट 2 hours ऑफ रेस्ट बिसाइड्स द रेगुलर स्लीप। सो 8 + 2 = 10 + 8 = 18 hours आर गॉन आउट ऑफ द डे। आई एम नॉट लेफ्ट विद 10 hours। 2 hours आई जेन्युइनली नीड फॉर ट्रेवलिंग, शटलिंग एंड ईटिंग, बेदिंग एंड अदर थिंग्स। सो 4-5 hours, नो आई कॉन्ट कम्पीट, बिकॉज वट आई एक्सप्लेन इन माई इनिशियल वीडियो, इफ यू रिमेंबर, देर आर पीपल हु स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन 2016 एमिंग फॉर 2019। They are already given 3 years. But the only thing is at that time they had all the leisure and they could study for 4 to 5 hours a day. But their 4-5 hours in 3 years are now cumulatively 15 hours of 1 year. So at least 10 hours are bare minimum required. Aur wo 10 hours bhi usi case mein possible honge when you get everything ready-made from someone. Ki printed notes maine de di hai bana ke, understanding develop maine kara di hai, इंटीग्रेशन मैंने करा दी है चीज़ों की, मैंने मीन्स टीचर्स ने, नॉट जस्ट अस बट सम अदर गुड इंस्टीट्यूशन वेयर एवर यू बीइंग एंड अप बीइंग। अगर वो सब कुछ हो गया तो 10 hours है, नहीं तो नेट पे बैठ जाओ, द प्रॉब्लम इज प्लेथर ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, कट शॉर्ट कैसे करना है वो 150 words के लिए, वट इज़ टू बी कैप्ट एंड वट इज़ टू बी लेफ्ट, सबसे पहले तो ये चैलेंज है। फिर विच साइट इज़ टू बी बिलीव्ड एंड विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, देन विच पर्टिकुलर स्पेसिफिक बुक यू नीड टू रीड एंड विच यू नीड नॉट रीड। एक अगर तुम पुराने लोगों के ब्लॉग पढ़ोगे वो बोलेंगे डीडी बासु इज़ द बेस्ट बुक, एंड जेन्युइनली आचार्य सर्स बुक इज़ द मोस्ट अमेजिंग बुक रिटन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट हैज़ नॉट बीन रेगुलरली अपडेटेड। नाउ व्हाट्स द फन ऑफ रीडिंग दैट बुक? इवन एट टाइम्स द ब्लॉग्स ऑफ द सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हु डू नॉट राइट टू मिसलीड, इफ आई टेक माई एग्जाम्पल, आई अपीयर्ड लास्ट टाइम इन 2004-05, थिंग्स हैव चेंज्ड, पैटर्न हैज चेंज्ड, लकीली माई सब्जेक्ट हैज़ चेंज्ड हिस्ट्री, otherwise I would have been an obsolete person for this exam, right? So old blogs, bloggers ko padke we can't prepare, and this exam is such an evolving exam that every year there is a new challenge. So accordingly think, and now what more we can offer you is, besides this, Monday, Tuesday, Wednesday, 3 days you can come sit in this class. World history is going on in morning 7 to 8:30 slot, right? So whosoever is working, whosoever is going to college, whosoever is doing whatsoever, from 7 to 8:30 we all can spare our time. Monday, Tuesday, Wednesday, sit in that class for 3 days. I will be taking you through world between two world wars. That's a standalone topic. World war is done today. Monday I will be talking about Paris Peace Conference that happened after the war, how Treaty of Versailles was signed, then but how it led to rise of Hitler and Mussolini. And then we'll be talking about Great Economic Depression, we'll be talking about Russian Revolution and its impacts. We'll be doing these few topics in next 3 days. Sit and see that how we teach, how we make you write notes, and what I said, do we practice in the class, that we make students write answers in spontaneity. Have a look at that. If you find it good, then decide whether you want to prepare for 19 with us or 20 with us. Whether it is going to be a morning batch, evening batch, afternoon batch, weekend batch, online course. 3 lectures will be complimentary for one and all, right? Sitting in the class, it will be first-hand experience. You will be in a better position to understand and relate with us, and then make up your mind. One strategy lecture cannot define that how good we are or how bad we can be. So better it will be come here for next 3 days, Monday, Tuesday, Wednesday morning 7 to 8:30. And if someone is free, you can come from 11 to 2 wala slot as well, in which modern history is going on. There is another batch at 11 to 2 in which polity is going on. Then evening, there are 3 batches going on. In one, there is polity. Polity has just finished. In one, there will be political issues. In one, there will be world history. And in one, there will be economics. So you can come and attend class in any of these batches for next 3 days. Now, anything more you want me to tell, explain?
5 to 8 आपको या तो मॉर्निंग सूट करेगा या आफ्टरनून सूट करेगा या ऑनलाइन सूट करेगा। अब अगर आपका माइंड है कि 19 में ही देना है तो उसमें ना थोड़ी सी फिर पेन ज़्यादा बियर करनी पड़ेगी, पेन ऐसे बियर करनी पड़ेगी कि स्लीपिंग आवर्स रिड्यूस करने पड़ेंगे, ऑफिस में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। उस अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होगा कि आपको ऑफिस में 1-2 घंटे बीच में स्पेयर मिल जाए, तो उस 1-2 घंटे में आप बुक नहीं पढ़ोगे, ईयरफोन्स लगाओगे और लेक्चर सुनोगे बैठ के रिकॉर्डेड, जो वहाँ पे सुना उसको घर आके रिवाइज़ किया और अगला लेक्चर फिर सुन लिया। 2-2 लेक्चर साइमल्टेनियसली सुन के 6 मंथ्स में सिलेबस ख़त्म करोगे, फिर तो 2019 इज़ पॉसिबल। अदरवाइज इफ 6 मंथ्स आर गॉन एंड यू हैवन प्रिपेयर द एंटायर सिलेबस, फिर तो इट विल बी ऑल फर्टाइल एफर्ट, एंड बिफोर यू स्टार्ट मेक इट श्योर दैट यू कैन मैनेज इट, अदरवाइज इट विल बी नथिंग बट डिजेक्शन। व्हाट्स योर एज? So you have no choice. What's your age? I'm so sorry, asking girls about age is very bad. 25. You have all the choice in the world to relax and decide. You shouldn't be in hurry. He has no choice, he has to be in hurry. You must appear in 2019. You haven't taken any attempts yet? In the old pattern. So then to you have no choice left. 6 attempts and general category. Then in that case you have a choice, right? So you can think over whether 2019 or 2020. And then a personal question, are you married now? Yes. Then 2020. My wife, she does not stay with me, she is from studying. Oh, lucky you. 2019, start fast. Start very fast now, before she comes back and start staying with you. It's not that she will be demanding or she will not be letting you study. It's like even she has a right on your time. So before you, she comes back, nail the exam and see the difference in life then. Done? Ab main specifically sabse pooch leta hu, aapne kuch specific puchna hai? Cheeze clear hai? All right, aapne kuch specifically? Haan ji, puchna to bahut kuch hai, samajh nahi aa raha. तो तुम 2 मिनट सोचो, मैं तब तक इनसे पूछता हूँ। एनीथिंग स्पेसिफिक? आपका सर मोर ऑर लेस इज क्लियर, ठीक है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, डू यू इंटेंड टू हैव अ डेमो लेक्चर ऑन मंडे इन द मॉर्निंग और आफ्टरनून, सो दैट आई नीड टू इन्फॉर्म द पीपल आउटसाइड दैट दी स्टूडेंट्स विल बी कमिंग फॉर डेमो मंडे मॉर्निंग 7 o'clock? नॉट पॉसिबल। What is the timing? Sir, 8 to 5. Very good. तो आप 5 को करना चाहोगे डेमो लेक्चर अटेंड या वीकेंड बैच का? तो वीकेंड का आप आज भी कर सकते हो, वीकेंड का टाइम होता है सैटरडेज को। अभी देखो इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, आप दोनों भी अगर अगर आप दोनों भी चाहो तो आप आज का वीकेंड का डेमो लेक्चर ले सकते हो। वीकेंड्स पे क्लासेस थोड़ी लंबी चलती हैं, 5 hours each। आज का टाइम होगा 1 to 6 और कल का होगा संडे का सुबह 9 to 2। इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, राइट? इन केस यू फील लाइक यू कैन सिट एंड हैव अ डेमो। आपको सुबह 7 बजे का? यस यू कैन, 11 to 2। आप आओगे 11 to 2, आप 3 आओगे सुबह 7 बजे। अपना नाम बता दो मेरे को। मनप्रीत, ओके, स्वीटी, ऑलराइट, डन है। हाँ जी, आप बताओ। यस 5 o'clock? You can come, but then how will you relate what teacher is talking? We build up a momentum in the first 15-20 minutes that this is the context in which we are going to discuss today. So it will be not very easy for you to relate with the lecture. Or perhaps if you can take off one hour before your day. No worries. You're most welcome. That is it then. Best of luck everyone. Hope to see you, some of you, tomorrow morning, afternoon, and others on weekend. And online students, in case you want to ask some more questions, you can text us on our email or on my phone number. Right? Thank you very much. Bye bye. So if you offer online course, then personally also you can come and ask. Yes.
student is a student. If you join my online course, you become my student. And then if you want to meet me, how can I deny you that chance? Article 14, right to equality. Citizen of India will be citizen of India anywhere. Student of Raj Academy will be student of Raj Academy wherever he or she is. तुम तो मेरे पे केस कर देना अगर मैंने नहीं दिया कि फंडामेंटल राइट डिनाई हो गए. आर्टिकल 14, आर्टिकल 19. नो. रैदर अभी मैंने क्या समझाया था, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर यहाँ नहीं है, उनको आर्टिकल 39 बीसी में प्रायोरिटी भी मिल जाएगी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. बाकी तुम पॉलिटी पढ़ना, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. डन, बाय बाय.